प्रसन्नता हो रही है। कोरोना संकट में हम सब पूरे मंत्रिमंडल के सभी साथी और विधायकगण एकजुट होकर न केवल कोविड 19 से लड़ने में सफल हुए हैं, वहीं आर्थिक गतिविधि संचालित करने में भी हमें सफलता मिली है। 21वीं सदी के भारत निर्माण के सत्ता माननीय राजीव गांधी का दृष्टिकोण था। भारत में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लक्ष्य प्राप्ति किसानों की आर्थिक दशा में सुधार के बिना संभव नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर गांव के माध्यम से ही ग्राम स्वराज की कल्पना साकार की जा सकती है। आदरणीय गांधी जी हमेशा यह कहते हैं, भारत में अमीरी और गरीबी के बीच निरंतर बढ़ती जा रही आर्थिक असमानता चिंतनीय है। आदरणीय राहुल जी के न्याय की वृहद अवधारणा के क्रियान्वयन की दिशा में राहुल जी के ही मार्गदर्शन में यह प्रथम कदम राजीव गांधी किसान न्याय योजना माननीय सोनिया जी एवं श्री राहुल जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ देश के प्रथम राज्यों में से एक है जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के पालन करने में दृढ़ संकल्पित है। छत्तीसगढ़ संभवतः देश का प्रथम राज्य है जो एमएसपी में धान मक्का और गन्ना की खरीदी कर रहा है। पृथक से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से आदान राशि प्रोत्साहन राशि दे रहा है। इस योजना के अंतर्गत आदान राशि का निर्धारण प्रति वर्ष पृथक से किया जाएगा। इस वर्ष राज्य के धान एवं मक्का उत्पादक किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़, उत्पादक किसानों को 13,000 रुपए प्रति एकड़ आदान राशि दी जाएगी। वर्ष 19-20 में 19 लाख धान मक्का एवं गन्ना उत्पादक किसानों को 5,750 करोड़ राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में दी जाएगी। प्रथम किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपये की राशि कृषकों के खाते में सीधे की जा रही है। आदरणीय राजीव जी के पुण्यतिथि के दिन स्मृति योजना का आरंभ कर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आगे में वर्ष में भी उनको ही राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हम लोगों ने महत्वपूर्ण सुधार के कार्य किए। 18-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और बोनस सहित 30,000 करोड़ की राशि किसानों के खाते में हम लोगों ने डाला। उसी प्रकार से इस वर्ष भी 19-20 में 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के जिसमें 15,000 करोड़ की धान खरीदी और 5,700 करोड़ प्रोत्साहन राशि। इस प्रकार से देखें पिछले 18 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के खाते में 40,700 करोड़ रुपये डाले हैं। अल्पकालीन ऋण माफी में 9,000 करोड़ और बीमा के तहत 1,000 करोड़ और उसी के साथ 250 करोड़ रुपये गन्ना खरीदी और 260 करोड़ रुपया किसानों के सिंचाई कर के माफी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन से राज्य के किसानों के जीवन में खुशहाली का नया दौर आरंभ होगा। यह उल्लेखनीय है योजना से लाभान्वित होने वाले बीपीएल
अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग और ओबीसी वर्ग के हैं। राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन होने के बाद भी हमने यह निर्णय लिया है कि न्याय योजना के द्वितीय चरण में ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा और इसके लिए सचिव के अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी बनाई गई है जो 2 महीने के भीतर में पूरे कार्य योजना बनाकर मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के जो भूमिहीन श्रमिक हैं उनके लिए योजना हम प्रारंभ करेंगे। न्याय हमारे लिए योजना मात्र नहीं है, निर्माण के लिए मार्गदर्शिका है। राज्य के सबसे गरीब तबके को सम्मान से जीने लायक आय स्तर अर्जित करना ही हमारे शासन का मूल मंत्र है। आशा है आगामी 4 वर्ष में हम अपने देश के सर्वाधिक गरीब राज्य होने का कलंक मिटाने में सफल होंगे। अब मैं राहुल गांधी जी से निवेदन करता हूं कि आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। आदरणीय राहुल जी, इसके अलावा और क्या योजना की जा रही है? आदरणीय राहुल जी से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि हमें आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। बघेल जी सुनाई दे रहा है? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, ये आवाज सी आ रही है बघेल जी, थोड़ा वॉल्यूम जो है इको है थोड़ा कम करवाएं, अगर होस्ट है उसे बोलकर तो बहुत मेहरबानी होगी। डज इट सिट? अच्छा, अखिल जी नमस्कार। गांधी जी कांग्रेस प्रेसिडेंट। क्या हो रहा है? आवाज आ रही है? आवाज Mandeep ji, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. We can hear you, sir. Please go ahead, sir. Here there is a constant repetition, echo aa raha hai yahan pe. Ab nahi aa raha, sir. Now it is on. Acha, theek hai, sir. Theek hai. So, Congress President Sonia Gandhi ji, Chief Minister Baghel ji, Motilal Vora ji, PM Punya ji, मोहन मार्कम जी, टीएस सिंहदेव जी, शरणदास महंत जी, रविंद्र चौबे जी, हमारे सब मंत्री और एमएलएज, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ के प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका मैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं।
आप जानते हैं कि कोविड बीमारी से हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था को जरूर नुकसान पहुंच रहा है, मगर बहुत सारे लोगों को दुख, दर्द और चोट लग रही है। और सबसे ज्यादा दर्द गरीब लोगों को हो रहा है। सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके सभी साथियों को मैं बधाई देती हूं कि उन्होंने राजीव जी की भावना के अनुरूप एक बड़ा कदम उठाया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में अभी मुख्यमंत्री बघेल जी ने सभी को बताया है, और इसके अलावा इस योजना के जरिए छत्तीसगढ़ के किसानों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराकर फसल उत्पादन में प्रोत्साहन देने जैसे कदम उठाकर उनके बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की शुरुआत की है। मुझे बताया गया है कि इस योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन आदिवासी कृषि मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा। यह एक बहुत ही अनोखा निर्णय है जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे और उन सब के जीवन में बदलाव आएगा, खुशहाली आएगी। मेरा मानना है कि ऐसी कारगर योजनाओं को सही मायने में जमीनी स्तर पर लागू कर इसका लाभ जन जन तक पहुंचाकर उनके जीवन में परिवर्तन लाना ही, यही सही मायने में राजीव गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इस क्रांतिकारी योजना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके सभी साथियों के साथ ही प्रदेश के किसानों और कृषि मजदूर भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Namaskar. Namaskar. What is the procedure now? Because we've come. Ma'am, मुख्यमंत्री जी अब आपका और राहुल जी का धन्यवाद करेंगे। We are waiting for him to come in. और फिर उसके बाद आप दोनों इजाजत ले लेंगे और वे बाकी की कार्रवाई मुख्यमंत्री जी संचालित करेंगे। जी, I think the link has got broken on his side. We are waiting for him to come back. I see. Okay. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के शुभारंभ कार्यक्रम पर आपने जो अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
तथा दिल्ली से जुड़े अन्य विशिष्ट अतिथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू राहुल जी। Yeah.